हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट एन इंग्लिश ग्रामर टॉपिक आर्टिकल्स। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक आर्टिकल्स क्लियर कर रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। ए, एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ठीक है, ए, एन और द को हम आर्टिकल्स कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। ठीक है, ए एंड एन आर इनडेफिनेट आर्टिकल्स। जो ए और एन है वो इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं। द इज़ कॉल्ड ए डेफिनेट आर्टिकल और द को हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आर्टिकल्स को हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। ए एंड एन आर इनडेफिनेट आर्टिकल्स। ठीक है, ए एन एन को हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं और द को डेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं। ठीक है, अब आता है ए एन। ए एंड एन आर इनडेफिनेट आर्टिकल्स। ए और एन जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं। दे डू नॉट रेफर टू एनी पार्टिकुलर थिंग। किसी पार्टिकुलर थिंग को रेफर नहीं करते। ठीक है, यानी किसी भी पार्टिकुलर थिंग को इंडिकेट नहीं करते। जैसे देखो, यहाँ कुछ एग्जांपल्स गिवन है। गिव मी ए पेंसिल, लेट्स हैव एन आइसक्रीम। वी पुट ए और एन बिफोर काउंटेबल नाउंस इन सिंगुलर। हम ए और एन का यूज़ जो है वो काउंटेबल नाउंस के साथ करते हैं और सिंगुलर में करते हैं। ठीक है, प्लूरल में नहीं होता, ध्यान रखना। एग्जाम्पल, ए बॉय, ए बैग, एन अम्ब्रेला, एन एग। ठीक है, यहाँ आपने यहाँ देखा होगा कि यहाँ सिंगुलर के साथ ही, सिंगुलर नाउन के साथ ही ए का यूज़ किया गया है और एन का भी यूज़ किया गया है। ठीक है, प्लूरल के साथ नहीं किया गया। और ये भी चीज़ ध्यान रखो कि काउंटेबल नाउन्स के साथ ही हम यूज़ करते हैं ए और एन, जैसे ए बॉय, ए बैग, एन अम्ब्रेला, एन एग। वी डोंट पुट ए और एन बिफोर अनकाउंटेबल नाउंस, यानी अनकाउंटेबल नाउंस से पहले हम ए और एन का यूज़ नहीं करते। जैसे एक एग्जाम्पल है, गिव मी ए फूड। ठीक है, फूड जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ हम ए यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, दिस सेंटेंस इज़ ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। ये इनकरेक्ट है, ओनली गिव मी फूड आएगा, यहाँ हम ए और एन का यूज़ नहीं करेंगे। दिस सेंटेंस इज़ ग्रामेटिकली करेक्ट। ठीक है, अब आता है यूज़ ऑफ ए। ए का यूज़ जो है कहाँ कहाँ होता है? देखो, वी यूज़ ए बिफोर वर्ड्स बिगनिंग विद ए कॉन्सोनेंट साउंड, यानी ए का यूज़ हम कॉन्सोनेंट साउंड से पहले करते हैं। ठीक है, आपको पता है ना कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं? यानी ए, ई, आई, ओ, यू, ये तो वॉवल्स होते हैं। इनको छोड़ के जो भी अल्फ़ाबेट बचते हैं उन्हें हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। देखो, जैसे ए बिजी स्ट्रीट। ठीक है, तो यहाँ पे जो बी है वो कॉन्सोनेंट है, तो इसके साथ हम ए का यूज़ करेंगे। ए स्ट्रॉन्ग गर्ल, एस जो है वो कॉन्सोनेंट है, तो हमने ए यूज़ किया। ए पेन, पी, हम फर्स्ट अल्फ़ाबेट लेटर जो है वो देखेंगे कि कॉन्सोनेंट है या वोवल है। ठीक है, तो यहाँ ए पेन यूज़ होगा, नॉट एन पेन। ओके, अब एन का यूज़ देखो। वी राइट एन बिफोर द वर्ड्स बिगनिंग विद ए वोवल साउंड, यानी वोवल साउंड से पहले हम एन का यूज़ करते हैं। जैसे एन एप्पल, वोवल्स कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, ए, ई, आई, ओ, यू, तो इन्हें हम वोवल्स बोलते हैं और इन्हें छोड़ के जो भी अल्फ़ाबेट बचते हैं उन्हें हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो जैसे एन एप्पल, ए जो है वो वोवल में आ गया तो एन एप्पल, एन अम्ब्रेला, यू भी वोवल में आ गया, एन एरोप्लेन, ए भी वोवल में आ गया। ठीक है।